political दलील नहीं है. They are not fighting me politically. I want to tell them. मैं आपके मीडियम से आई वॉन्ट टू टेल ऑल द बीजेपी लीडर्स कि आपके पास इतनी बड़ी ताकत है, आपके पास इतने मेंबर पार्लियामेंट है, आपके पास सरकार है. अगर आपको फाइट करना है मुझसे तो पॉलिटिकली फाइट करो. फाइट मी पॉलिटिकली, नॉट थ्रू NIA, ED, and CBI. अगर मुझसे जंग लड़नी है तो पॉलिटिकली लड़ो मुझसे, जमीन पे कदम रख के लड़ो. ये आसमानी कभी NIA कभी ED के छापे कभी CBI के छापे, इसमें क्या मिलेगा आपको? मेरे पास क्या है? अगर होता तो आप मेरे वालिद के मकबरे के जाके वहाँ जांच नहीं करवाते कि ये कितने का बना है, ये कहाँ से बना है? अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी हो, मेरा कहने का मतलब ये है कि चूंकि दे हैव नथिंग टू स्टिक टू मी एज फार एज करप्शन इज कंसर्न्ड, सो दे वांट टू, दे हैव ट्राइड टू थ्रू वही, दे हैव ट्राइड टू कनेक्ट मी टू टेरर फंडिंग. कि पता नहीं हमारे कोई मिलिटेंट्स के साथ ताल्लुकात हैं, फिर हम उनको पता नहीं शायद मदद कर देते. यस, जो मिलिटेंट की फैमिलीज थी, मुफ्ती साहब जब पहली बार चीफ मिनिस्टर बने, जो मिलिटेंट मारे गए थे, जो मर गए थे, जो जाबाक हुए थे, उनकी फैमिलीज को हम बाज़ाब्ता अकाउंट्स के ज़रिए, बैंक अकाउंट्स के ज़रिए हम उनकी मदद करते थे. ये मैं आज भी कहती हूँ और ये कल भी मैं कहूँगी. पर ये दूसरी तरफ से हमको मिलिटेंट के साथ कनेक्ट करना, वहीद को टेरर फंडिंग के साथ कनेक्ट करना, ये बिल्कुल ना सर ना इंसाफी है. इनकी बुजदिली है, दे आर कवर्ड्स. एक लेडी के साथ अगर इनको लड़ना है तो मुकाबला करें ना. किया ना मुकाबला इन्होंने भी मैदान में, वहाँ मुँह की खानी पड़ी इनको. हमने सिर्फ 60 सीटें लड़ी थी, हमने तकरीबन 30 सीटें हमने उसमें से जीती. इन्होंने मेरी पार्टी की जो है उसकी ऑबिचरी इन्होंने मनाई, पिछले 2 साल खत्म हो गई, खत्म हो गई. सो इफ दे कांट फाइट मी पॉलिटिकली, दिस नॉट माय प्रॉब्लम, इट्स देयर प्रॉब्लम. ये ईडी को, NIA को, CBI का जो ये मिसयूज कर रहे हैं, दिस इज वेरी रॉन्ग. दे आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशन की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी हैं. हम जो मांगते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मांगते हैं, 370 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारा एजेंडा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैं जो बात करती हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. मगर जहाँ तक जम्मू कश्मीर के डिग्निटी का सवाल है, यहाँ की इज्जत का सवाल है, यहाँ की इज्जत नफ्स का सवाल है, जम्मू कश्मीर के मसले का सवाल है, मैं वो मुफ्ती कभी खामोश नहीं रहेगी. चाहे इससे ज़्यादा, चाहे मुझे नहीं मालूम, मे भी हो सकता है ये आपकी और मेरी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, मुझे नहीं पता किस वक्त आके ये मुझे उठा के ले जाएं. क्योंकि ऑलरेडी हमारे कई लीडर ले गए हैं, उनका कोई बताते नहीं है क्यों पकड़ा है. DC साहब से आप पूछो, वो बताते नहीं है. श्रीनगर के DC से पूछा, नईम साहब की बेटी ने, कुछ नहीं बताते हैं. पुलिस से पूछते हैं, कुछ नहीं बताते हैं. कहते हैं जी आपको डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन में बंद किया है, भाई ऑर्डर दो, वो ऑर्डर नहीं देते हैं. तो बिल्कुल लॉलेसनेस है. सो आई एम टेलिंग, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, BJP की जमातों को कहना चाहती हूँ कि अगर आप में दम है तो मेरे साथ पोलिटिकली फाइट कर लीजिए. अपनी ये जो आपने बनाई है, अपनी रखेले बनाई हुई है, आपने NIA को, CBI को, ED को, जो आपने अपनी मिस्ट्रेस की तरह आप उनको इस्तेमाल करते हैं. अभी देखिए ममता बनर्जी जो रिजिस्ट करता है, स्टूडेंट्स रिजिस्ट करते हैं, उनको टुकड़े टुकड़े गैंग कह के जेलों में डाला जाता है. एक्टिविस्ट NGOs कोई काम करते हैं उनको जेलों में डाला जाता है. आपके इस वक्त जो मुसलमान निकले CIA के खिलाफ, उनको पाकिस्तानी कह के राइट्स करवाए, उनको जेल में डाला. आज आपके किसान, हमारे सरदार भाई, दूसरे भाई वहाँ बैठे हैं, उनको कहते हैं ये खालिस्तानी हैं, उनके और रेट्स डाल रहे हैं. आपने सुना होगा कि कई यूनियंस के यहाँ इनने रेट्स डाले, और आज दिन को हमारे कई जो हमारे कलीग्स हैं, जानने वाले, उनके यहाँ रेट डाले गए हैं. तो मैं दोबारा ये दोहराना चाहती हूँ, इफ़ यू हैव टू फाइट, अगर आप में जरूरत नहीं है कि आप एक औरत के साथ पॉलिटिकली फाइट कर सकते हैं, तो मुझे लगता है इनको चूड़ियां पहन के घर में बैठना चाहिए. दे हैव नो बिजनेस टू बी रूलिंग दिस कंट्री. जब ये कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो हमारी एजेंसीज को हैं उनको मिसयूज कर रहे हैं, आई डोंट थिंक कि इनके पास कोई मॉरल अथॉरिटी है. इन्होंने जो भी कानून लाते हैं, लोग सड़कों पर किया, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ था, लोग सड़कों पे आ गए.
370 को गैर आईनी तरीके से हटाया, जम्मू कश्मीर को टेररिज करके यहाँ के लोगों को खामोश करके रखा है। इसी तरह किसानों के खिलाफ लॉ लाया, आज लाखों तादाद में लोग किसान सड़कों पे हैं। सब खत्म कर दिए इन्होंने, इस मुल्क की बर्बादी कर दी। मगर अगर मुझसे लड़ना है, लेट देम फाइट मी पॉलिटिकली,